चीनी कंपनी वीवो ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन वीवो 11 प्रो को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस नए स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इससे पहले ऐसा डिस्प्ले कंपनी के पिछले स्मार्टफोन वीवो नेक्स और वीवो X23 में दिखने को मिली थी। स्मार्टफोन की खासियत की अगर बात करें तो वीवो V11 Pro डुअल रियर कैमरा सेटअप, वाटर ड्रॉप डिस्प्ले और 25 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ आता है। भारतीय बाजार में वीवो V11 Pro के 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 25,990 रुपए रखी गई है। फोन को खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। वीवो V11 Pro की बिक्री 12 सितंबर से होगी। फोन को डजलिंग गोल्ड और स्टारी नाइट ब्लैक रंग में उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें 6.41 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। इसका एस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 है। स्मार्टफोन में ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है। फोन में एड्रेनो 512 GPU है और 6GB रैम दिए गए हैं। डुअल सिम वीवो V11 Pro एंड्रॉइड 8.1 ओरियो पर आधारित फन टच OS 4.5 पर चलता है। वीवो V11 Pro में पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप है। प्राइमरी सेंसर 12 मेगापिक्सल का है और सेकेंडरी सेंसर 5 मेगापिक्सल का है। वहीं फ्रंट पैनल पर 25 मेगापिक्सल का सेंसर है, वो भी AI आधारित फीचर के साथ। वीवो V11 Pro की इनबिल्ट स्टोरेज 64GB है और जरूरत पड़ने पर माइक्रो SD कार्ड भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। स्मार्टफोन की बैटरी 3400mAh की है। हालांकि इस फोन में आपको USB टाइप सी की जगह माइक्रो USB पोर्ट मिलेगा। कनेक्टिविटी फीचर में वाईफाई 802.11ac और ब्लूटूथ 5.0 शामिल है। टेक जगत से जुड़े और खबर के लिए जुड़े रहिए लोकमत न्यूज.in के साथ।